मदर्स डे है, सो आज जो मदर्स डे के ऊपर मैं एक कोटेशन, एक थोड़ा सा शॉर्ट सा एक थॉट है, उसके साथ हम सेशन का शुरुआत करेंगे। जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था, गोद में उठाकर जब माँ ने प्यार किया था। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, वो कौन सा दिन है जो माँ के बिन नहीं है। सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से में, जब माँ ने पूछा मैं हूँ किसके हिस्से में। घर की इस बार मुकम्मल तलाशी लूँगा, पता नहीं गम छुपा कर हमारे माँ बाप कहाँ रखते थे। एक अच्छी माँ हर किसी के पास होती है, लेकिन एक अच्छी औलाद हर माँ के पास नहीं होती। जब कागज़ पर लिखा मैंने माँ का नाम, कलम अदब से बोल उठी हो गए चारों धाम। माँ से छोटा कोई शब्द हो तो बताओ, उससे बड़ा भी है तो कोई और बताओ। मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। मार डालती है ये दुनिया कब की हमें, लेकिन माँ की दुआओं में असर बहुत है। माँ को देख मुस्करा लिया करो, क्या पता किस्मत में हज लिखा ही ना हो। मरने के लिए तो बहुत से रास्ते हैं, मगर जन्म लेने के लिए केवल माँ। माँ के लिए क्या लिखूँ, माँ ने खुद मुझे लिखा है। दवा असर ना करे तो नजरें उतारती है, माँ है जनाब वो कहाँ हार मानती है। मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही वो तो जन्नत होती है। पूछता है जब कोई मुझसे कि दुनिया में मोहब्बत बची है कहाँ, तो मुस्कुरा देता हूँ और याद आ जाती है माँ। माँ तो जन्नत होती है, मेरी माँ मेरी जन्नत है, माँ आखिर माँ होती है। इसलिए आप लोग अपने माँ का कदर करें, आज मदर्स डे है, अच्छे से मिलजुल कर रहें, अच्छे से बात करें। ऐसा कोई दिन नहीं है जो माँ के बगैर हो, लेकिन आज स्पेशली मदर्स डे है, सो आज मदर्स डे सेलिब्रेट कीजिए। एक दिन आपके पास है, लॉकडाउन है और घर में बैठे हैं, कुछ स्पेशल हो जाए, यही बहाने। आप तो अपने घर में हैं और मैं अपने घर में नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। आप ये टाइम मिस ना करें, आप जो अपने घर में हैं मदर्स के साथ सेलिब्रेट करें आज का दिन, ताकि ये दिन आपके लिए यादगार रहे। सो वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट करंट अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन फॉर क्लास 3 to 8। रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। पूछा जा रहा फंडामेंटल राइट्स जो है ये किस, मतलब मौलिक अधिकार ये किस कंट्री से लिया गया है, किस कंट्री से लिया है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। तो ये है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी कैपिटल वाशिंगटन DC है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं। और यहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है मिसिसिपी, मिसौरी, याद रखेंगे। मिसिसिपी एक अलग रिवर है, मिसौरी अलग रिवर है। जब दोनों रिवर मिल जाती है तो ये मिसिसिपी मिसौरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ USA, याद रखेंगे, ये लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है USA का। सेकेंड क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेट वर्ल्ड अस्थमा डे, मतलब किस दिन वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता था, 5 मई को। इसका थीम क्या है, तो इनफ अस्थमा डेथ्स, यानी पर्याप्त, इसमें जो बहुत सारे मृत्यु होती है इसी के लिए, अस्थमा डेथ के लिए इनफ अस्थमा डेथ जो है इनका थीम रखा गया है। अब इस 2020 पर इसी पर वर्क होगा कि किस तरह से इसको कम किया जाए। इन विच स्टेट इज द अगस्त्यवानम बायोलॉजिकल पार्क, ये अगस्त्यानम बायोलॉजिकल पार्क जो है ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये केरला है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है, गवर्नर आपका आरिफ मोहम्मद खान है और डिस्ट्रिक्ट 14 है, यानी 14 है, आप इसको याद रखेंगे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है, तो वो है आपका बिहार। यहाँ पर 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर पर्सन रखा गया है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 पर्सन रहते हैं, उस हिसाब से इसमें सबसे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ का है, बिहार का। अगर यूनियन टेरेटरीज में बात किया जाए, अगर पूरे इंडिया में बात किया जाए, तो यूनियन टेरेटरीज NCR दिल्ली जो है आपका, वो जो है दिल्ली, उसमें 11033
पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर रहता है, तो वहाँ समझ सकते हैं कितना है। लेकिन स्टेट की बात करें तो ये बिहार फर्स्ट पर है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, बिहार गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिपॉजिट हाउ मच अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ माइग्रेंट्स बिहारीज ट्रैप्ड इन स्टेट आउटसाइड बिहार ड्यू टू द लॉकडाउन। यानी लॉकडाउन में फंसे हुए बिहार के से जो बिहार के वासी हैं वो अगर लॉकडाउन में बाहर फंसे हुए हैं तो उनको बिहार गवर्नमेंट के लिए ये डिसाइड किया गया कि उसको कुछ दिया जाएगा रुपया के माध्यम से। तो वो उसके अकाउंट में कितना रुपया भेजे जाएगा तो 1000 रुपीज़, आप इसको याद रखेंगे। चलिए टुडेज करंट अफेयर्स पार्ट 22 है, यानी 22वां पार्ट है, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। और 21 पार्ट आपका ख़त्म हो चुका है, जो नहीं देखें उसको देख लें, क्योंकि उससे भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। इसके बाद हम लोग आज 22वां पार्ट शुरू कर रहे हैं। देखिए करंट अफेयर्स डेली जाता है, पर डे जाता है, मेहनत करते रहिए, इसको डेली नोट डाउन करते रहिए, एक अच्छी सी डायरी बनाइए, अच्छे से लिखिए, इसको फेयर कीजिए, ताकि ये आपको आगे तक काम दे, बहुत ये आगे तक आपको भी काम देगा। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट रहा। दूसरी बात, जब स्कूल ओपन होगी तो बहुत सारे क्विज कंपटीशन वगैरह होंगे, तो उससे में भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेंगे। और ये इसमें ये बात भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं लेकिन जवाब नहीं देते हैं। होमवर्क जो दिया जाता है जवाब दीजिए, इसमें से 2-3 स्टूडेंट ही जवाब देने वाले, मैं उनका नाम एक बार फिर लेना चाहता हूँ, निधि कुमारी क्लास 7, अभिजीत कुमार क्लास 4 और जिया नवीन क्लास 5। ये 3 स्टूडेंट हैं जो पर डे सवाल का जवाब दे रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। वेल डन, वेरी वेरी वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। चलिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटिंग मदर्स डे, यानी किस डे सेलिब्रेट किया जाता है मदर्स डे। आपकी अभी जस्ट मैंने आपको सारा चीज़ बताया उनका। मदर्स डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है, जो आज का दिन है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मदर्स, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि आज आप मदर्स के साथ हैं, उसके साथ सेलिब्रेट कीजिए और ये दिन आपके लिए यादगार बने। और ज़रूर बताइएगा आप लोग किस तरह से इसको यादगार बनाएं, चूँकि मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ, इसलिए आपसे आपका बात सुन के मैं खुश हो जाऊँगा, चूँकि मदर्स डे बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। बहुत सारे डे मनाते हैं हम लोग इधर उधर का, बहुत सारे डे मनाते हैं, लेकिन मदर्स डे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मदर्स डे वही समझ सकता है कि जो अभी उनके साथ रह रहा होगा, सेलिब्रेट कर रहा होगा, या फिर जो मिस कर रहा होगा वही समझ सकता है। जिनके पास मदर है अभी पास साथ में, वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो वैसा नहीं करें, आज उनके साथ मिलजुल के रहें, अच्छे से सेलिब्रेट करें। उनके लिए भी ये यादगार का पल होना चाहिए, मदर्स के लिए भी और आपके लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंटरनेट स्टार्ट इन इंडिया। ये पूछा जा रहा फर्स्ट टाइम इंटरनेट स्टार्ट कब हुआ इंडिया में, तो आपको याद होना चाहिए 15 अगस्त 1995, यानी 1995 में, 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट की शुरुआत हुई इंडिया में। और इसके जो फादर हैं, कभी पूछा जाएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट, तो विंड सर्फ, ये अमेरिका के हैं, आप याद रखेंगे, विंड सर्फ इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। थर्ड क्वेश्चन है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, यानी पूछा जा रहा है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये 8 मई को मनाया जाता है, यानी 8 मई को मनाया जाता है। इसमें थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। ये थैलेसीमिया यानी शरीर में खून की कमी से होता है थैलेसीमिया। इंडिया में हर साल 10,000 से ज़्यादा बच्चे इस बीमारी के साथ पैदा होते हैं। थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसके इलाज के लिए बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। और जानते हैं कि थैलेसीमिया एक बहुत खतरनाक रेयर डिजीज होता है, इसलिए इसको मनाया जाता है हर एक साल, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो कि आखिर ये क्या है। तो 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द नॉर्थर्न मोस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी है और वो किस कंट्री का है, तो रेजियाविक कैपिटल ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड जो कंट्री है उसकी कैपिटल है। इसकी अगर बात करें, इसके नेबरहुड कंट्री में जो आपका फिनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, ये सब इनके नेबरहुड कंट्री हैं। तो याद रखेंगे आइसलैंड की कैपिटल रेजियाविक है, और यही जो है नॉर्थर्न मोस्ट कैपिटल पूरे वर्ल्ड का है, तो याद रखें। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन वाज बॉर्न महाराणा प्रताप सिंह।
महाराणा प्रताप सिंह का पूछा जा रहा है बॉर्न किस डेट में हुआ था, तो नाइन्थ नाइन्थ मई ये पूछा जा रहा है कि बॉर्न कब हुआ, तो नाइन्थ मई 1540 यानी 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। ये 13th किंग ऑफ मेवाड़ ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान में एक जगह है मेवाड़, वहाँ के ये 13वां राजा बना था। और इनका डेथ जो हुआ था 19 जनवरी 1597 यानी 19 जनवरी 1597 हुआ था। अभी जो इनका अभी ये चर्चा में क्यों है, तो अभी इसका इनका 480 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, यानी 9 मई को यानी कल के ही दिन सेलिब्रेट किया गया था, 480वां बर्थडे इनका एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। बहुत सारे युद्ध भी लड़े थे, जैसे अकबर के साथ भी ये हल्दीघाटी का युद्ध, और बहुत हल्दीघाटी का युद्ध लड़े थे महाराणा प्रताप अकबर, और भी इनका बहुत सारा फेमस युद्ध है, उस वो हिस्ट्री का चैप्टर है, उस पर कभी हम डिस्कस करेंगे। ये आज करंट का था इसलिए हम बता दिए कि अभी कल के दिन इनका 480वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, एनिवर्सरी मनाया गया। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप इन रेड जोन, यानी किस स्टेट में, जहां पर कि जो स्टेट रेड जोन में है उसको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया, किस स्टेट के लिए, तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आरोग्य सेतु ऐप जो रेड जोन में है उसको, जो रेड जोन डिस्ट्रिक्ट है, शहर है, उसको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना ही है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की बात है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, याद रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश की बात करें, इसमें आपको बता दें इनके नेबरहुड यानी इससे सटा हुआ, जो इनके बॉर्डर से सटा हुआ 8 स्टेट हैं और एक यूनियन टेरेटरीज हैं। आपको कमेंट में या एक एक्स्ट्रा में आपको पेज में लिख के उसको ग्रुप में डालिए कि वो कौन कौन से स्टेट हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है और वो कौन यूनियन टेरेटरीज हैं। आप इतना काम कर सकते हैं, आई होप आप ये कर लेंगे, आप इसको भेजने की कोशिश करें। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, यानी किसको अभी हाल ही फिलहाल में दोबारा से चेयरमैन बनाया गया है पीएसी का, इट मीन्स पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। इनका काम रहता है कि सरकारी जो गवर्नमेंट का लेखा जोखा का काम रहता है, यानी कोई भी चीज़ का अकाउंट्स का देखना, ये देखते हैं। तो अभी प्रेजेंट में रीअपॉइंटेड हुए अधीर रंजन चौधरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, इसको इग्नोर नहीं करना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक, इराक के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो मुस्तफा अल खदामी कादामी ये बने हैं, अभी मुस्तफा अल कादामी जो बने हैं अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं इराक के। इराक के कैपिटल क्या है, बगदाद, और यहाँ के रुपीज जो हैं इराकियन रुपीज हैं, आप इसको याद रखें, यानी इराकियन रुपीज मतलब इराकियन दिनार है, इराकियन दिनार जो है यहाँ का रुपीज है, यानी करेंसी है इराकियन दिनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन है, संकल्प स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट पुलिस टू प्रोवाइड 24/7 हेल्प टू एल्डरली, यानी कहने का मतलब है संकल्प स्कीम ये कौन से स्टेट का पुलिस लॉन्च किया है जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये 24x7 यानी 24 आवर और 7 डेज यानी 24x7 डेज हेल्प टू एल्डरली, यानी एल्डर जो है एल्डर यानी सीनियर सिटीजन, उसके लिए ये संकल्प स्कीम लॉन्च किया जा रहा है, ये उनके स्टेट के पुलिस के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है कि 24 यानी 24 घंटा और 7 दिन में 24 घंटा ये उनके लिए प्रोवाइड करेंगे ये स्कीम, ये संकल्प स्कीम। इसके द्वारा क्या होगा, तो जो भी इल्डर यानी सिटीजनशिप है उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये उनके लिए हमेशा उनके काम के लिए उनको प्रोवाइड करने के लिए उनको बहुत सारे अलग अलग स्कीम प्रोवाइड करने के लिए हमेशा अपने ड्यूटी पे लगे रहेंगे। तो अब बात करते हैं, ये स्कीम लॉन्च की है सीनियर सिटीजन के लिए संकल्प स्कीम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, तो मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन, और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 52 डिस्ट्रिक्ट्स है
मध्य प्रदेश में। और यहाँ की अगर लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो नर्मदा नदी, और भी बहुत सारे मेजर रिवर हैं लेकिन नर्मदा नदी बहुत ही स्पेशल है यहाँ का, तो आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए 10th नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन लॉन्च्ड सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। सुन के थोड़ा फनी लग रहा होगा लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ये बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। हु हैज़ बीन लॉन्च्ड सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान, ये सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान कौन लॉन्च किए हैं? तो नीति आयोग। अब लॉन्च क्यों किए हैं ये पहले जान लीजिए। आप जानते हैं सीनियर सिटीजन के लिए नरेंद्र मोदी भी बहुत, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो भी कहें कि घर से बाहर ना निकले, खासकर सीनियर सिटीजन और बच्चों को। और इसमें क्योंकि कोरोना वायरस का इफेक्ट ज़्यादातर वही सब लोग में पड़ते हैं, ज़्यादा बच्चे में और ज़्यादा बूढ़े में, क्योंकि उसको अपने शरीर में उतना इम्यूनिटी पावर नहीं है जो कि उनको अच्छे से अटैक, मतलब उनसे लड़ सके, उससे सुरक्षित रह सके, इसलिए वो लोग पर ज़्यादा असर करते हैं, इसलिए उनको घर में ही रहने के लिए ये कहा गया है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है जिनके दादा दादी नाना नानी हैं प्रेजेंट में आपके साथ रह रहे हैं, तो उनका जितना आप देखभाल कर सकते हैं, जितना उसके साथ छुट्टियां बिता सकते हैं, अच्छे से उनको रखिए, अच्छे से उनको सेफली घर में रखिए और कोरोना वायरस से बचाइए। और लॉकडाउन में आप सभी घर में अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए पिए और अच्छे से छुट्टी बिताइए, क्योंकि यही एक उपाय है कोरोना वायरस से लड़ने का, लॉकडाउन से बचने का। तो आप लोग घर में रहिए, सेफली रहिए। बात करते हैं सुरक्षित दादा दादी नानी नाना अभियान का, ये लॉन्च किया है नीति आयोग और इसके चेयरपर्सन हैं नरेंद्र मोदी अभी जो प्रेजेंट में हैं, क्योंकि चेयरमैन जो होते हैं नीति आयोग के वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, अगर पूछा जाएगा नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन चेयरमैन पर्सन जो भी प्रेजेंट में है वो है नरेंद्र मोदी। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इट मीन सीईओ ये है अमिताभ कांत, और वाइस चेयरमैन जो है राजीव कुमार, ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो आप इसको याद रख सकते हैं। इनका फॉर्म जो हुआ था फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ये योजना आयोग के बदले में बना था, योजना आयोग जो 1950 से ही चला आ रहा था, इसको बदल के 1 जनवरी 2015 में इसका फॉर्मेशन हुआ नीति आयोग का। तो ये 10 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लिखें, याद करें और एक एक बात को ध्यान में रखें, 2-3 बार इसका रिवीजन करें ताकि सारा चीज़ आपको याद हो जाए। 22 सेशन आज समाप्त हो गया, अब कल जो आएंगे 23 आएंगे। आज आशा है कि आज आपका मास्टर वीडियो भी शाम तक में अपलोड हो जाएगी। चलिए तो आज का टुडेज वर्क फॉर यू में देखते हैं, ये 5 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आप इसको अच्छे से बनाएं और अच्छे से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।